हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करेंगे वीवो का Y30 स्मार्टफोन। तो देखिए मेरे हाथ में ये जो है वीवो का Y30 स्मार्टफोन है, ये 4GB 128GB का वेरिएंट है। आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करूंगा और इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए फटाफट इसका अनबॉक्सिंग करते हैं और इसके बारे में बताते हैं कैसा है ये स्मार्टफोन। देखिए ये है वीवो Y30 का पैकेट। देखिए यहाँ पे वीवो लिखा हुआ है, यहाँ पे Y30 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 4GB 128GB लिखा हुआ है। और देखिए इसका पैकेजिंग में देखिए लिखा हुआ वाई का लोगो बना हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इस साइड में देखिए वीवो IPL, वीवो टाइटल स्पॉन्सर Y30। और इस साइड से भी देखिए इसका लोगो कैसा है, पैकेट कैसा है। तो ये अपर साइड से है देखिए, और बैक साइड में देखिए तो पूरा इसका डिटेल्स दिया हुआ है। देखिए आई व्यू डिस्प्ले, AI क्वाड रियर कैमरा, 5000 mAh बैटरी, तो ये सब है इसमें। और देखिए यहाँ पे 4GB 128GB, मेड इन इंडिया, सारा डिटेल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, नेम ऑफ द मैन्युफैक्चरर और इस पैकेट में क्या क्या दिया हुआ है सारा डिटेल्स देखें। नेट कंटेंट, 1 हैंडसेट, 1 चार्जर, 1 USB केबल, 1 वारंटी कार्ड, सारा जो है। और ये जो MFD डेट जो दिया हुआ जुलाई 2020 का दिया हुआ। और MRP की बात करें तो MRP जो है 18,990 रुपये। तो देखिए इस फ़ोन का कैमरा जो है, कैमरे की बात करें तो कैमरा जो है वो 13+8+2+2 है, 4 कैमरा दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे लोगो भी बना हुआ है, मीन्स ये जो पिक्चर बना हुआ है 4 कैमरा का सिंबल दिया हुआ है। AI क्वाड कैमरा है और एक LED फ्लैश लाइट है। और फ्रंट कैमरा सेल्फी के लिए जो है वो 8 मेगापिक्सल का दिया हुआ है। और बैटरी की बात करें तो बैटरी जो है वो 5000 mAh की बैटरी है। और डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले जो है 6.47 इंच की HD+ डिस्प्ले है, मीन्स 16.43 सेंटीमीटर की स्क्रीन है। और ये HD+ स्क्रीन है, ठीक है। तो चलिए फटाफट इसका अनबॉक्सिंग कर लेते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है, और थोड़ा वीडियो को फास्ट कर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो निकल के आया है ये देखिए, ये है सिम इजेक्टर पिन। और इसमें यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, इसमें ज्ञान की बातें लिखा हुआ है, इसे फ़िलहाल साइड में रखते हैं। और ये देखिए बैक कवर दिया हुआ है, ट्रांसपेरेंट बैक कवर है, ये फ्लैक्सीबल भी है, देखिए फ्लैक्सीबल बैक कवर है, इसे भी साइड में रखते हैं। ये फ़ोन की सेफ्टी के लिए दिया जाता है, ताकि फ़ोन गिर जाएगा तो थोड़ा सा इसे बचाता है। और ये देखिए फ़ोन है, इसे फ़िलहाल मैं साइड में रखता हूँ, इसे बाद में देखूँगा। मैं देख लेता हूँ डब्बे में क्या क्या दिया हुआ है। तो देखिए ये है डाटा केबल, जो USB C टाइप दिया हुआ है, देखिए सी टाइप केबल है ये, इसे भी साइड में रखते हैं। और ये देखिए चार्जर है, अडेप्टर है, ये 18W का फास्ट चार्जर है, इसे भी साइड में रखते हैं। और अब चलते हैं फ़ोन की तरफ। तो देखिए फ़ोन को मैं भी इस पैकेट से निकाल रहा हूँ। तो देखिए फ़ोन को मैंने निकाल दिया है, फ़ोन को देखिए इसका लुक कैसा दिया हुआ है, देखिए एकदम ज़बरदस्त लुक लग रहा है इसका, चमचमाता हुआ है। देखिए इसका साइड लुक कैसा दिया हुआ है और बॉटम लुक कैसा है, देखिए स्क्रीन भी इसकी अच्छी लग रही है। और ये देखिए साइड यहाँ पे सिम लगता है। और ये देखिए पावर बटन, ये वॉल्यूम का माइनस प्लस बटन। और यहाँ पे कैमरा दिया हुआ है, 3 कैमरा दिया हुआ है। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर है। और ये LED फ्लैश लाइट दिया हुआ है। और ये देखिए 3.5mm जैक है इसमें। और यहाँ पे USB C टाइप केबल है और स्पीकर और ये माइक। तो ये है वीवो Y30 फ़ोन, ज़बरदस्त लुक लग रहा है इसका। मैं इसे अभी ऑन करके दिखाता हूँ कैसा है इसका इंटरफेस है। तो देखिए वीवो लिखा हुआ आ रहा है, पावर्ड बाय एंड्रॉयड लिखा हुआ है। तो देखिए फ़ोन का जो मैंने बूट कर दिया है, देखिए यहाँ फन टच OS वेलकम और नीचे लिखा हुआ सेटअप योर फ़ोन। मैं इसे सेटअप कर लेता हूँ फटाफट और वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ। तो देखिए फ़ोन जो है ऑन हो चुका है, देखिए मैंने सेटअप कर दिया सारा कुछ। अब देखिए इसका इंटरफेस कैसा लग रहा है, देखिए मैं थोड़ा सा कॉलिंग के लिए जो होता है वो मैंने ओपन किया है। देखिए यहाँ पे कैसा दिख रहा है, इसका इंटरफेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैंने मैसेज बॉक्स भी खोला है, इनबॉक्स भी खोला है, देखिए इसका कैसा लग रहा है। मैं कैमरा भी थोड़ा ओपन करके देख रहा हूँ इसका इंटरफेस कैसा लगता है। तो देखिए ऐसा इंटरफेस दिया हुआ है इसमें। तो ये है वीवो Y30 स्मार्टफोन।
इसका इंटरफेस ऐसा है, और मैं सेटिंग में ले जाके इसका डिटेल्स दिखाता हूँ आपको। तो देखिए सबसे पहले लिखा हुआ आ रहा है फन टच ओएस, और यहाँ पे मॉडल नंबर लिखा हुआ है, वीवो रोम लिखा हुआ है, एंड्रॉयड वर्जन लिखा हुआ, प्रोसेसर जो है 2.3 GHz ऑक्टा कोर है, रैम जो 4 GB है, और फ़ोन की स्टोरेज जो है 128 GB है, और ये है फर्स्ट EMI नंबर, सेकेंड EMI नंबर, और एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेबल है, CPU रियल टाइम दिया हुआ है यहाँ पे, इसका डिटेल देखिए रियल टाइम कितना है सारा कुछ दिया। देखिए यहाँ पे हर सेकेंड में कुछ ना घटता बढ़ता होगा यहाँ पे, देखिए मैं फिर से दिखाता हूँ आपको CPU रियल टाइम, देखिए यहाँ पे घटेगा, देखिए घट गया। तो ये CPU का रियल टाइम क्या है, हार्डवेयर वर्जन नंबर, सॉफ्टवेयर वर्जन नंबर, बेसबैंड वर्जन, कर्नल वर्जन, कपल टाइम, यूज्ड टाइम, कितना टाइम यूज़ हुआ, सारा देखिए यहाँ पे जो है डिटेल्स दिया हुआ है। अगर आप इस फ़ोन को सेकेंड हैंड में बेचना चाहते हैं तो यहाँ पे यूज़ टाइम भी लिखा हुआ रहता है, देखिए यहाँ पे 3 मिनट से मैं फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पे 3 मिनट लिखा हुआ आ रहा है। तो ये फ़ोन ठीक ठाक है, मीन्स नेक्स्ट वीडियो में कैमरा का टेस्टिंग और कैमरा का रिव्यू करके दिखाऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।